करके जय भोलेनाथ, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक और नई ब्लॉग में आप सभी का है स्वागत। ट्रिप से आने के बाद आई थिंक आज तीसरा दिन है, दो दिन ब्लॉग करने का बिल्कुल ही मन नहीं किया। एक तो पहले दिन तबीयत खराब हो गई, दूसरे दिन फिर भाई थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक हुई, बट गर्मी इतनी ज्यादा, अभी भी मतलब 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर। आज फिर भी बादल हुए पड़े, सुबह से फिर भी 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। भाई बाहर निकलने का मन ही नहीं करता इतनी गर्मी में, इसलिए भाई ब्लॉग व्लॉग किया नहीं। आज जा रहा हूँ फरीदाबाद, क्योंकि भाई मेरे को गाड़ी का एक जनरल चेकअप करवाना है कि कोई गाड़ी में दिक्कत ना आई हो। मेरे पास महिंद्रा से कॉल आया था, हरियाणा ऑटोमोबाइल से, जहाँ से मैंने सर्विस करवाई थी ट्रिप पे जाने से पहले। तो गेट की जो प्रॉब्लम थी वो आपने देखी थी ट्रिप पे, पूरी ट्रिप पे इस गेट ने हमें परेशान किया था। वो गेट एक बार दोबारा से चेक करवा लेंगे कि दिक्कत आई कैसे थी, तो उसको भी सही करवाएंगे। बाकी एक दो काम भी है, चलो फिर निकलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। भाई जब से फ्लाईओवर बनाना पलवल वालों को तो भाई इतना सुकून मिल गया। देखो पूरा रास्ता खाली पड़ा है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं बस स्टैंड पहुंचने में, जिसको हमें पहले लगते थे भाई आधे घंटे से भी ज्यादा। और देखो पूरा रोड खाली है, आराम से चलती है गाड़ी, मस्त। और भाई ये लाइटिंग का भी बहुत बढ़िया किया है इन्होंने यहाँ फ्लाईओवर पे, भी प्रॉपर लाइटिंग रहती है नाइट में। और ऊपर तो खैर रहती है, ऊपर वाला फ्लाईओवर तो बढ़िया ही है। अब मैं नीचे से क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पिक करना है भूचाल बॉय को। भूचाल बॉय मेरे साथ जा रहा है, जाके उसको पिक करते हैं और फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि आज सैटरडे है तो भाई दीपक की छुट्टी थी नहीं। भूचाल बॉय ने बीटी दे दी है आज फिर से एक बार, तो भूचाल बॉय का नंबर कट जाएगा आगे आने वाली ट्रिप्स पे भी। उसको पता नहीं क्या कुछ काम है घर पे, तो वो नहीं जा रहा, मैं ही अकेला जा रहा हूँ। काम तो करवाने भाई, और गर्मी इतनी ज्यादा है, मैं पहले सोचा था कि कंपनी हो जाएगी वो साथ में चलेगा, तो चलो कोई नहीं अकेले घूम लेंगे आप। तो क्या देखते हैं, तो बहुत देखता हूँ मैं तो आपकी, अरुण भाई की, सबकी वीडियो देखता हूँ। घर पे आओ, अरुण भाई के लेके आओ, कभी प्लान बनाते, कभी मिलते हैं फिर, ठीक है? ओके, नाइस टू मीट यू। चलो जी, फरीदाबाद जा रहा था, रास्ते में भाई मिल गया, वीडियो देखी हुई है अपनी, तो भाई ने कहा यार मैंने तो गाड़ी अचानली रुकवा दिया साइड में, तो मैं मिल लिया भाई से, बढ़िया लगा मिलके भाई से। तो भाई फरीदाबाद पहुंचने वाला हूँ, और सामने जो गाड़ी चल रही है ना भाई, किया की कैरेंस, ये गाड़ी बड़ी देखने को मिलती है यार आजकल, और इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे सुने हैं मैंने, उसमें स्पेस बहुत अच्छा है। और ये जो आर्टिका वर्टिका आती है ना, उन्हीं रेंज में आती है आई थिंक, बट गाड़ी देखने में भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है, ब्लैक कलर की तो जच ही रही है गाड़ी, मस्त लग रही है। भाई टाइम हो चुका है 2:41 एंड आई एम अबाउट टू रीच फरीदाबाद। मैं सोच रहा हूँ ना इसका जो अलाइनमेंट है ना, वो भी एक बार चेक करा लूँ। मेरे को अभी अरुण भाई ने बताया था ट्रिप पे कि यहाँ पे एक सरदार जी है फरीदाबाद में, देखते हैं एक बार पता करते हैं, और टायर्स का भी देख लेंगे यार, एक बार चेक कर लेता हूँ टायर, क्योंकि हमारे 17 इंच वाले में बढ़िया फिट हो जाए और अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हो और अच्छे प्राइस रेंज में मिल रहे हो, तो वो भी एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे जहाँ से हमने अपने अलॉयज लगवाए न्यू वाले। तो भाई वेदर में थोड़ा सा बदलाव तो हो गया, मेरे को लग रहा है बारिश जरूर आएगी, काले बादल तो हो रहे हैं, बट भगवान करे आई जाए भाई, बहुत गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। जो रास्ता नहीं बनाया हुआ, मतलब पता नहीं लगता कई बार कि यही महिंद्रा का सर्विस स्टेशन है कि नहीं। देखो रास्ता देखना कैसा बना रखा है, इसको पक्का कर देना चाहिए, यहाँ साइड में गड्ढा है। पहुंच गए खैर कोई नहीं महिंद्रा सर्विस स्टेशन, और दिखाते हैं एक बार गाड़ी को। भाई पूरी ट्रिप पे ना इस वाले गेट ने परेशान किया, और अब यहाँ आके देखो परफेक्टली खुल रहा है, देखो आराम से। कई बार इसको चेक करके देख लिया, बट ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ से हिलता हुआ लग रहा है, थोड़ा सा लूज लग रहा है। बाकी एक बार इसको दिखा लेते हैं, यार जो गाड़ी अपनी फंसी थी ना वहाँ टीरी में, तो एक बार क्या कर रहा हूँ मैं, एक बार लिफ्ट पे लगवा के चेक कर रहे हैं नीचे से कोई दिक्कत ना आई हो, क्योंकि उसमें पत्थर थे बहुत ही ज्यादा, वो पत्थर से कोई चोट वोट ना आई हो, तो एक बार इसको लिफ्ट पे उठवा के एक बार चेक कर लेते हैं नीचे सारी चीज सेफ है, क्योंकि इसमें शील्ड नहीं है नीचे कहीं भी। ये भी ट्रिप अपनी जल्दी प्लान हो रही है, तो हो सकता है मे भी अपने साथ ब्लैक बीस्ट ही जाए उस वाली ट्रिप पे भी, इसलिए एक जनरल चेकअप करवाना जरूरी है कि जिससे संतुष्टि मिल जाए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं आई। अरे यार एक ना इसमें से जब पहले गियर पे गाड़ी को उठाते हैं तो एक कट की सी आवाज आती है, वो पता नहीं अलॉय के अंदर है या फिर क्या दिक्कत है, उसको भी एक बार चेक करवा लेते हैं। हाँ जिसमें नुकसान बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फंसी इतनी बुरी है ना, बिल्कुल पत्थर थे वहां पे नीचे। मेन तो ये है ना अपना, ये सिक्योर रहना चाहिए। नहीं इस तरफ तो गई नहीं है। हाँ इस तरफ तो गई नहीं, इस साइड की फंसी है। नहीं कोई कुछ नहीं, नॉर्मल है, कुछ नहीं है ना, कोई दिक्कत ना, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ओके बॉस। मिट्टी ज्यादा फंस रही है ना, वो खाली मिट्टी है ये, कहीं उठवा के साफ करवानी पड़ेगी ना। अच्छा ये टायर यहाँ अंदर से कैसे घिस रहा है ज्यादा, इधर से? हाँ ये उस टाइम पे घिसा था, कुछ इसमें पत्थर लगा है ना। अच्छा देखना कहीं अभी घिस रहा हो ना, ये वायर तो अलग है, कोई पत्थर उस टाइम होगा ना, स्लिप मारी हुई गाड़ी। हाँ उस टाइम पे पत्थर आ गया। भाई
हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से लिफ्ट से उठवा के देख लिए, नीचे सारी चीजें पूरी तरीके से चेक करके फुल एंड फाइनल एवरीथिंग इज ओके, दिल को संतुष्टि मिल गई। एक तो कि जो गाड़ी फंसी थी ना उसकी वजह से कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया गाड़ी पे, क्योंकि देखो वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि गाड़ी अंदर धस चुकी थी और उसमें पत्थर थे बड़े बड़े, जाके भाई वॉशिंग करवा देंगे क्योंकि अंदर अभी भी मिट्टी है। जो मिट्टी थी ना देखो यहाँ से दिखाई दे रही है, टायर के जस्ट पीछे पूरी मिट्टी भरी हुई है, तो इसको एक बार लिफ्ट करवा के जब धुलवानी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने रास्ते में धुलवाई थी ना चंबा में उसके पास लिफ्ट नहीं थी, मिट्टी जमी रही है और वो मिट्टी ऐसी है जैसे वो रेती वगैरह होती है, रेती क्रेशर टाइप वैसी मिट्टी है, वो जमी हुई है ढंग से उस पे, तो एक बार लिफ्ट करवा के फिर वॉशिंग करवा देंगे। चलो भाई महिंद्रा से निकल रहे हैं, अपना जो काम था जनरल चेकअप करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 4:13 हो चुके हैं भाई, किलोमीटर हो चुके हैं 44,000, मतलब कि 926 किलोमीटर चल चुकी है अपनी गाड़ी ट्रिप के बाद, मतलब उसके बाद तो मैं ज्यादा कहीं बाहर गया नहीं, तो अराउंड ये समझ लो कि 850 के आसपास हमारी गाड़ी चली है पूरी ट्रिप पे। तो भाई कौन कहता है वैगनार में जान नहीं होती, ये देखो भाई वैगनार खींच के ले जा रही है फॉक्स वैगन की गाड़ी को, चेटा गाड़ी है, और ये दिखाऊंगा इतनी हल्की गाड़ी है और इतनी हैवी गाड़ी को टोकर के ले जा रही है, देखो देख लो भाई। अब जो भी कहता हूँ ना भाई, वैगनार पे इतने मीम्स बनते हैं, इतने जोक्स बनते हैं भाई, जान देख लो गाड़ी की। हरियाणा टायर्स एंड व्हील्स स्टोर पे तो वहाँ पे एक बार टायर देखते हैं, 17 इंच में 80 टायर्स भी देखूंगा मैं, और नॉर्मल वाले ST टायर्स जिसमें लगे हैं वो भी देखूंगा, एक बार सबकी प्राइसिंग ले लेते हैं, फिर उसके बाद मूड बनाएंगे कि यार इसमें थार वाले ही लगवाने हैं या फिर 17 इंच में ही टायर लगवाने हैं, क्योंकि देखो 17 इंच के जो अलॉय इसमें लगवाए हुए हैं वो कंपनी से मतलब 17 इंच ही देती है महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर, तो मैं सोच रहा हूँ कि 17 इंच ही इनको रहने दूं 18 इंच बढ़ाने पे, क्योंकि सस्पेंशन में कोई दिक्कत ना आए, थार के 18 इंच आते हैं, तो इसलिए मैं पहले एक बार ट्राई कर रहा हूँ कि अगर 17 इंच में बढ़िया बजट में अगर टायर्स ही मिल जाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, और वो भी 80 वाले, तो सबके रेट से एक बार ट्राई कर लेते हैं। सामने ही 235-65 में ये तीन टायर्स हैं, एक ये है अपना ब्रिजस्टोन का, ये कॉन्टिनेंटल्स है और ये MRF है, एक बार मिशेलिन का और चेक कर लेते हैं, इन तीनों की रेंज ऑलमोस्ट सेम है, इसकी थोड़ी कम है, इन दोनों की सेम है ऑलमोस्ट। अच्छा ये है 235-65 मिशेलिन, बाकी ये साइज में थोड़ा चौड़ा लग रहा है, ये कहीं अड़ेगा तो नहीं, जैसे इसकी शेप है जो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, शेप ऐसी है इसकी। अच्छा हैवी पैटर्न है, साइज सेम है, 235 हैवी टायर है। तो भाई टायर वायर्स तो यहाँ पे देख लिए, बट कुछ समझ में नहीं आया, रेंज बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, तो मेरे को ना एक्चुअल में चाहिए 80, ये सारे ST टायर्स हैं जिनकी रेंज इतनी हाई है, और इस रेंज में मेरे को 80 टायर्स मिल रहे हैं। अभी एक मिनट रुको, एक बार गाड़ी को लगाते हैं हाईवे पे, फिर बात करते हैं आपसे। तो भाई जो सबसे ज्यादा महंगा टायर है ना वो है मिशेलिन का, और मिशेलिन का टायर आ रहा है 12,500 का, अगर मैं 4 टायर लगवाऊं तो करीबन पड़ेंगे 50 की रेंज में पड़ेंगे मतलब, ठीक है। और जो योकोहामा का वो आ रहा है 11,500 का, कॉन्टिनेंटल का वो भी 11,500 का है, और योकोहामा वाला 80 टायर है, और जो मिशेलिन वाला है वो कह रहा काइंड ऑफ 80 है, मतलब ST टायर से ऊपर की क्वालिटी है, उसकी गुड्डी मोटी है, तो बढ़िया टायर है वैसे मिशेलिन का, बट रेंज बहुत ज्यादा हाई हो रही है, मतलब 50 की रेंज में पड़ रहा है। बट अगर मैं लेता हूँ थार वाले और उनको लगवाता हूँ, उनकी रेंज विद अलॉय इनसे कम पड़ रही है, और वो 80 टायर। अब इस रेंज में अगर बजट वजट लगा के देखा जाए तो इट्स बेटर कि भाई मैं थार वाले लगा लूं और 80 टायर्स मिलेंगे अपने को, उसके बाद भी अगर इन केस जैसे कभी घिस भी जाते हैं 50-60,000 किलोमीटर पे, तो भाई उसके बाद दोबारा चेंज करवा लेंगे। C8 वाले जो टायर आते हैं वो नॉर्मली मिल जाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग ना थार के टायर चेंज करवाते हैं और अलॉयज भी चेंज करवाते हैं, तो वो मार्केट में कम रेट में इसीलिए मिल जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि स्कॉर्पियो में इतनी ज्यादा कोई ऑफरोडिंग होती नहीं है, जो थोड़ी बहुत होगी वो 80 टायर्स में C8 वाले में कवर हो जाएगी, तो देखते हैं बाकी वो पता चलेगी। बाकी भाई अब घर जा रहा हूँ वापस, बारिश का मौसम और ज्यादा तेज होने लग गया है, पक्का 100% शाम को बारिश आने वाली है कि भाई जाम लग चुका है, ये देखो कैडा जाम लग चुका है फरीदाबाद में नीलम फ्लाईओवर पे। चलो फिर घर चलते हैं। और अलाइनमेंट की देखो मेरे को इशू अभी नहीं लग रहा कोई भी, ये पता है जब दिक्कत आती है जब हवा कम हो जाती है टायर में तो एक साइड को भागती है, तो अरुण भाई को ज्यादा दिक्कत आ रही थी ट्रिप पे, वो कहते एक साइड को भाग रही है लेफ्ट की साइड, लेफ्ट आई थिंक लेफ्ट या राइट रनिंग लग रही थी गाड़ी में, क्योंकि जो पीछे वाला टायर है ना भाई उसमें से हवा कम हो जाती है बार बार, क्योंकि वो घिस ज्यादा चुका है, इसकी वजह से उसमें हवा टिक नहीं रही है, तो वो इसलिए हवा की वजह से जब हवा कम होती है तो भाई ऑब्वियसली बात है गाड़ी एक साइड को भागेगी, बट अभी देखो नॉर्मली सही चल रही है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं आ रही। थोड़ी देर रेस्ट किया तभी दीपक का फोन आ गया कि भाई चलो रनिंग करने के लिए, गाड़ी में भाई डीजल भी डलवाना है, डीजल कम हो गया, तो भाई रनिंग करने के लिए जा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है दीपक को पिक करेंगे ओमैक्स के गेट पे से। टाइम हो चुका है 6:50 और मौसम हो रहा है भाई बेहतरीन,
मस्त मौसम हो गया है, बारिश आ जाए बस। गर्मी बहुत ही ज्यादा थी भाई। अभी जब मैं गया था ना 1:30-2 बजे के आसपास, तो जब नहाया था ना भाई, पानी इतना गर्म था जैसे उबाल दिया वो पानी। नहा नू के मैं जल्दी निकल गया था, बाकी चलो फिर दीपक को पिक करते और निकलते। यार 2-3 दिन पहले ना मेरे विकास भाई से बात हुई थी, तो वो पूछे थे थार का अपडेट की थार कब तक आ रही है आपकी। तो थार आ जाएगी भाई विद इन अ वीक, मतलब नेक्स्ट वीक तक अपने थार की दोबारा सेकंड डिलीवरी हो जाएगी। उनकी मैंने वीडियो देखी आज यार, वो तो बहुत ज्यादा मतलब महिंद्रा को लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनकी जो XUV 700 है उसमें से बहुत गंदे वाली आवाज आ रही है। अभी मेरी बात नहीं हुई, मैं आज उनको एक बार फोन करूंगा। 2 दिन पहले ही बात हुई थी, वो थार का अपडेट पूछे थे मेरे से कितना टाइम लग जाएगा। भाई उनका सीन ये हो रहा है कि XUV 700 वो सेल कर रहे हैं, इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो उनसे आज बात भी करेंगे, पूछेंगे कि इतनी क्या दिक्कत आ गई, मतलब महिंद्रा की तरफ से कोई सर्विस में इशू हुआ है या फिर क्या मेन प्रॉब्लम रही है। मैंने वीडियो देखी है उसमें, मतलब सर्विस कराने के बाद भी जो फ्री सर्विस है वो 15,000 रुपए की हुई है उनकी, उसके बाद भी गाड़ी में आवाज आ रही है। तो हो सकता है कि महिंद्रा से उनका विश्वास उठ चुका है और वो हाइलक्स देखने के लिए गए हैं टोयोटा में। तो एक बार उनसे बात करेंगे, पहले रनिंग कराते हैं फिर उनसे एक बार बात करेंगे। और भाई अपनी गाड़ी में चलो महिंद्रा पे मेरा तो भाई हमेशा से बिलीव है, ऐसे ही उनका था क्योंकि उनकी पहली XUV 500 थी। तो भाई वो हमेशा मतलब उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक यूज करी थी गाड़ी, और मैं भी अब स्कॉर्पियो बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं। इसका सर्विस चार्जेस कुछ नहीं होते, बहुत ही और खर्चा नहीं मांगती मेनली गाड़ी, और बहुत बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत अभी तक आई नहीं गाड़ी ने। वो मैं एक बार उनसे बात करूंगा, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको कि मेन रीजन क्या रहा है। बाकी एक बार दीपक को पिक करते हैं, चलते हैं रनिंग करने के लिए। बाकी भाई दीपक भी आ चुका है और अब चल रहे हैं रनिंग करने के लिए। यार मैंने वो चेक करवा लिया वो गेट वहाँ जाके, तो वो सही चल रहा है। उसमें 10-15 बार खोल के देखा, कह रहे कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। जब भी दिक्कत आए दोबारा जब दिखा लेना आके, ठीक है दिक्कत ना आएगी। 3 साल हो गए ब्लैक बीस्ट को अपने स्कॉर्पियो को, भाई इसमें कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आई, भगवान की दुआ से बोलेनाथ बैठे हुए इसमें, इसमें ना कभी दिक्कत आई ना आएगी। आएगी अब जो महिंद्रा की नई गाड़ियां आ रही है उनमें दिक्कत आई। अरे मैं अभी वही बात कर रहा था, मैंने कहा विकास भाई ने अभी वो गाड़ी की अभी अपडेट दी ना, मैंने अभी जस्ट वीडियो देखी है। हाँ। हाइलक्स देखने गए हैं और हाइलक्स ले लेंगे, बेस्ट रहेगी भाई। मोनू भैया नाराज हो जाएंगे वीडियो देखेंगे तो। क्योंकि 700 में भाई पहले दिन से ही दिक्कत है। हाँ। पता नहीं क्यों ले रहे हैं लोग, थार को भी बेचने कह रहे हैं। महिंद्रा से विश्वास, महिंद्रा से विश्वास उठ गया उनका भाई, अपना तो विश्वास जमा हुआ है तो महिंद्रा ही। बाकी यार हमारे थार में बहुत टाइम लगा दिया है ना, थार में यार टाइम लगा दिया, थार में दिक्कतें भी बहुत है क्योंकि जो नई आई है ना यार, ये पुरानी जो देसी इन्होंने गाड़ी बनाई थी ना, इससे ज्यादा सक्सेसफुल इनकी कोई गाड़ी नंबर बोलेरो। फिर उसके बाद जितने ज्यादा सेंसर लगा रहे हैं, सेंसर में भाई इंडियन कंपनी सक्सेसफुल नहीं है। बाकी चलो कोई नहीं, खैर भाई रनिंग करते हैं, 6:57 हो गए रनिंग करके, फिर उसके बाद एक बार विकास भाई से बात करेंगे, फिर आपको अपडेट देंगे फाइनल और इस वीडियो करेंगे एंड। टाइम हो गया 7:23। अपनी रनिंग हो चुकी है कंप्लीट, 2 किलोमीटर मारी है। पहले तो मैं थका हुआ था आज क्योंकि फरीदाबाद गया था, फिर भाई सोया नहीं था दिन में, 6:30-6 बजे उठ गया था सुबह, तो नींद पूरी नहीं हुई थी। तो मैं सोचा था कि दिन में नींद पूरी नहीं हुई तो भाई आज रेस्ट कर देते, आज की रनिंग को छोड़ देते शाम वाली को। पर भाई कंटिन्यूटी बनाने के लिए जरूरी है रेगुलर मारना, तो 2 किलोमीटर की रनिंग मारी। तुम्हारे भाई निकल रहा हूँ मैं घर वापस, एक बार दीपक आ जाए। दीपक मेरे ख्याल में आज हो सकता है 2.5-3 किलोमीटर मार रहे हैं, 3 किलोमीटर की उसकी कंप्लीट होते ही यहाँ से निकलेंगे, जूस पियेंगे, रनिंग डाइट लेंगे और फिर चलेंगे घर। एक ही टायर की लाइट जल रही है बस, ये वाली। हाँ अरे वो गई है ना पानी वानी में, वहाँ कहीं दिक्कत आई है। चलो जी भाई रनिंग करके निकल चुके हैं हम। यस क्या कहना चाहता है तू आज? भाई मैं कहना चाहता हूँ अपने आप सबको बहुत बहुत बधाई, और हमें भी, हम अपने हो चुके हैं 10K सब्सक्राइबर, जो कि बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए। दिल की गहराइयों से धन्यवाद, गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मजा आ गया, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया है। 10,000 का मतलब इतना वेट हो रहा था कि कब होंगे और फाइनली हो गए। जब स्टार्ट किया था तब नहीं सोचा था। बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहो भाई, अपना ऐसे ही मोटिवेट करते रहो यार, और सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, और लाइक कर दिया करो भाई। इंस्टाग्राम पे भी 20,000 हो चुके हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। जो यहाँ पे यूट्यूब पे है, जो इंस्टाग्राम पे नहीं, इंस्टाग्राम पे जाओ भाई, वहाँ पे डेली कंटेंट आता है, मजा आता है यार, वो रील्स देखने में तो दिल खुश हो जाता है भाई। कई रील अपनी मिलियन से पहुंची हुई है, मतलब ये है कि भाई वहाँ पे भी जाके लाइक कर दो, यहाँ पे भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, जो करना है सब कर दो भाई, मतलब लाइक कर दिया करो सबसे पहले भाई। महंगाई होगी चरम सीमा पर, यहाँ से ले लिया हमने नारियल पानी, और छोटा वाला गिलास दे रहा है 50 रुपए का विद बर्फ के साथ, अगर बर्फ नहीं डलवाओगे तो 60 रुपए का भाई, ये देख लो ऐसा, मतलब पानी पिलाएगा 50 रुपए में। हमने जूस यहाँ से कैंसिल कर दिया, न्यू कॉलोनी में कोई भी आके जूस मत पीना, बहुत महंगाई है। बाकी हम जा रहे हैं भाई जहाँ से हम रेगुलर पीते हैं, कौन सा? उस भी पूरे कोर्ट के पास, उस मस्त एक नंबर जूस बनाता है भाई, और क्वांटिटी से डबल है 50 रुपए में। आओ इस डलवाओ मत डलवाओ तुम्हारी चॉइस। भाई एक काम करो, इस वीडियो का यहीं पे एंड कर दो, अब सारी वीडियो देखोगे क्या, जूस वूस सारी चीज। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।